हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है शौर्य कौशिक। आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप सामने देख पा रहे हो, आज हमारे सामने हुंडई की एक ऐसी गाड़ी जो सीएनजी ऑप्शन के साथ अवेलेबल हो जाती है। वैसे तो हुंडई तीन गाड़ियां सीएनजी के साथ अवेलेबल कराती है। एक तो अपनी है अपनी ग्रैंड आइटन नियोस जो आप देख रहे हो आपके कैमरे के सामने, और दूसरी गाड़ी है हुंडई की ओरा जो सेडान सेगमेंट में आ जाती है सीएनजी के साथ। वो पीछे भी खड़ी है, पीछे खड़ी है और एक इधर भी खड़ी है, देख सकते हो आप। ये देखने को मिल जाती है आपको सेडान में अगर आपको सीएनजी चाहिए। और आपको पता ही भाई सीएनजी कितनी नीड है आज के टाइम में। कंपनी फिटेड लोग तो भाई बिल्कुल लेना चाहते हैं। तो दो गाड़ियाँ होगी, तीसरी आती है सेंट्रो। सेंट्रो की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा, सेंट्रो या थोड़ी छोटी गाड़ी हो जाती है। अगर आप सेंट्रो के बजाय फिर तो वैगनार ही ले लो, क्योंकि इसमें स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। ये बात है, वो 1100cc के साथ आती है। ये दोनों अपनी 1200 के साथ आती हैं। ये भी 1200 के साथ आती है। टॉर्क और बीएचपी की बात करूँ वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसमें यूँ आते हैं एरा, मैगना, स्पोर्ट्स, ऐसे करके आते हैं। तो ये आप स्पोर्ट्स वेरिएंट देख रहे हो। इसके अंदर सीएनजी में सीएनजी लग के जो दो वेरिएंट आते हैं वो आते हैं मैगना और स्पोर्ट्स। तो अभी स्पोर्ट्स देख रहे हो, स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। और अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की इसकी बात करूँ सीएनजी में ही, आप देख लो सेलेरियो जो नई सेलेरियो आई है उसमें मारुति ने सीएनजी ऑप्शन को रिमूव कर दिया, सीएनजी है ही नहीं। तो अब कितनी गाड़ियाँ गिनी चुनी बची हैं, एस्प्रेसो बची है मारुति की। और मारुति की बात करें तो वैगनार से ज़्यादा सीएनजी में गाड़ी बिक रही है। और इसकी बात करें तो इसलिए अभी हुंडई ने, हुंडई की अगर बात करूँ हैचबैक में ये सबसे सही गाड़ी लगती है मेरे को सीएनजी के पर्पस से। अगर जो बंदा लेना चाहता है तो ये गाड़ी बहुत सही है उसके लिए जो सीएनजी में लेना चाहता है। प्राइसिंग वगैरह की सारी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो गाड़ी का फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको हुंडई का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है। और जो ये चीज़ मिलती है ना आपको जो बम्पर से इसको अलग करती है, भाई ये देखो ये चीज़ आपको सेम वरना में मिलती है। तो गाड़ियों जो एक है ना इनका मतलब एक सिग्नेचर लुक बन चुका है। जब ग्रिल देखो सिग्नेचर ग्रिल बन चुकी है हुंडई की, अलग ही मतलब लुक निकल के आता है, बिल्कुल सही। मतलब दूर से बता देगा आदमी हुंडई की गाड़ी है भाई वो। अब अगर इसकी लाइट की बात करें, देखो लाइट आपको स्मोक डिज़ाइन मिल जाता है ब्लैक कलर की, थोड़ी तो स्पोर्टी बना देती है काफ़ी। अलॉय व्हील भी देख सकते हो आप, इसकी बात भी करेंगे, ये आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं। तो ब्लैक और व्हाइट का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर लाइट की, लाइट सेटअप की बात करें, सिंपल आपको हैलोजन मिल जाती हैं, लो भी माई भी मिसिंग अंदर, ये आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। इधर इधर की बात करूँ आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं हैलोजन फोग लैंप्स। और इधर की बात करूँ ये आपको जलते हैं, ये DRL टाइप मिल जाती हैं आपको, एक इधर जलेगी और एक इधर, ये देखो ये ऐसी कुछ ग्रिल मिल जाती है। तो फ्रंट लुक तो गाड़ी का कुछ ऐसा निकल के आता है। वाइपर्स की बात करूँ, वाइपर भी आप देख सकते हो जो नॉर्मल आपको वाइपर देखने को मिल जाते हैं। और विंडशील्ड पे आपको सीएनजी का लोगो देखने को मिल जाएगा, ये लोगो आपको बताता है कि ये गाड़ी कंपनी फिटेड सीएनजी है। बात करूँ मैं टायर प्रोफाइल की, तो इसमें टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसमें आपको 165/70R14 के आपको अपोलो के टायर मिल जाते हैं, 14 के मिलते हैं देख सकते हो। और डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं ब्लैक कलर के, काफ़ी सही लग रहे हैं ये, बहुत सही लग रहे हैं। और इसकी बात करूँ आपके ORVM की, तो ये आपको ये देख सकते हो LED मिलती है आपको, टर्न इंडिकेटर, ORVM आपको बॉडी कलर मिल जाता है। इधर की बात करूँ आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है। और डोर हैंडल की बात करूँ ये भी आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स वेरिएंट आप गाड़ी का देख रहे हो, क्रोम का कोई काम नहीं मिलता। इधर ऊपर की बात करूँ आपको रूफ रेल्स ब्लैक कलर की मिल जाती हैं, वैसे आपने सिल्वर देखी होंगी लेकिन ये ब्लैक मिल जाती हैं। शार्प फिन एंटीना देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर ग्रैंड i10 की ऐसी ब्रांडिंग भी दे रखी है, ये आपको ऐसा डोर हैंडल ये देख सकते हो आप। सीएनजी की बात कर देंगे, कहाँ से लगती कहाँ से नहीं, इसमें यहीं से लगती होगी। और अगर पीछे की बात करूँ पीछे की लुक की, तो आप देख सकते हो बैक लुक इसका कुछ ऐसा निकल के आता है, रेयर लुक, स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग, ये देखो स्पोर्ट्स की यहाँ पे ब्रांडिंग, हुंडई का लोगो, नियोस ये ब्लू कलर का, थोड़ा इसमें ब्लू कलर का टच से टच दे रखा है थोड़ा। और इधर की बात करूँ ये आपको कैमरा मिल जाता भाई देखने को, कैमरा इधर। इधर की बात करूँ सीएनजी का लोगो और डिफोगर देखने को मिल जाता है, स्पॉइलर पे आपको ब्रेक लाइट देखने को मिल जाती है, सॉरी स्पॉइलर नहीं है वैसे, वो ब्रेक लाइट दे रखी है। और इधर की बात करूँ पीछे की तरफ आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, बीच में यहाँ पर आपको नंबर प्लेट मिल जाएगी, इधर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। लाइट की बात करूँ टेल लैंप देखने को ऐसे मिल जाती हैं, सिंपल आपको हैलोजन ही मिलती हैं ये, इधर आपको नॉर्मल टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट। अब एक बार बूट स्पेस और दिखा देता हूँ आपको कितना मिलता है सीएनजी लगने के बाद। बूट स्पेस खोलने के लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो ये रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फोकस करते हैं एक बार, यहाँ मिल जाता है। और सीएनजी सिलेंडर देख लो, ये आपको पार्सल ट्रे, ये पार्सल ट्रे ऊपर भी हो जाती है, और सीएनजी सिलेंडर देखने को मिल जाता है। ये आपको 12 किलो का ही मिलता है, 12 किलो का है शायद, हाँ 12 का ही है। और सबसे सही बात देखो क्या है, स्टैंड लगा रखी है अपने बढ़िया, और ऊपर से फिटिंग होगी, मतलब जो स्टेपनी है वो खड़ी करने की जरूरत नहीं है भाई, यहीं से निकाल लो अपना। और स्टेपनी के टायर की बात, मतलब टायर साइज़ की बात करूँ 165/70R14
सेम मिलता है आपको। अगर बात करते हैं इसकी ड्राइवर डोर की, देख सकते हो आप ऐसी सिल्वर फिनिशिंग, चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, और लॉक अनलॉक और फोल्ड अनफोल्ड आप अपने यहीं से कर सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मिल जाती है भाई। फीचर तो गाड़ी के अंदर मिलते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट ले रहे हो ना तो फीचर्स तो गाड़ी के अंदर मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर भी मैंने भाई पहली बार देखा है ऐसे हैचबैक में, वैसे मिलता नहीं है। और इधर की बात करूँ, देखो कितना प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ये अपना पी वाइट कलर, ये अपना ग्रे, ब्लैक नहीं है, ग्रे है ये। इधर आपको ग्रैब हैंडल, इधर आप अपना कपड़ा वगैरह सकते हो, बोटल होल्डर, ये आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट। इधर की बात करूँ, हाइट के हिसाब से आप अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली, सीट आपको ऐसी फैब्रिक की मिल जाती है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, ये देखो। अब आगे भाई इसको पूरा पीछे कर देता हूँ सीट को, ये देखो। हाइट भी ऊपर कर लेता हूँ, हाइट ज़्यादा ही नीचे कर रखी किसी ने यार, एक मिनट रुको। तो ये देख सकते हो भाई मैंने अपनी अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली। तो अगर स्टेयरिंग की बात करूँ, स्टेयरिंग आपको देख लो बिल्कुल सेम मेन्यू वाला मिल रहा है इसके अंदर। इधर की बात करूँ, सारे आपको इन्फोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाते हैं, इन्फोटेनमेंट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अभी एक बार इसको ऑन करते हैं। गाड़ी के अंदर की बात करूँ, एक आपको ऐसी मिल जाती है की, और एक अपनी सिंपल मिल जाती है। तो देखो इसको लगाते हैं एक बार, ये देखो इसको बंद करते हैं एक बार म्यूजिक को, ये देख सकते हो भाई। मीटर देख लो भाई, कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है क्रेटा जैसा ही है। क्रेटा का ही बस यूं समझ लो कि छोटा कर दिया उसको थोड़ा, और मतलब उसको थोड़ा मिनिमाइज सा कर दिया, वैसा दे दिया। 12 CC इंजन में और जिसमें CNG है, देखो 220 तक की मार्किंग, और अपनी 8000 तक की इसमें टैगोमीटर में RPM की मार्किंग देखने को मिल जाती है, और अपनी पूरा पेट्रोल का इधर और CNG का इधर दिख रहा होगा ना आपको, दिखाता हूँ मैं आपको। पेट्रोल की आपको इधर देखने को मिल जाती है कितना पेट्रोल है, और CNG का इधर मिल जाएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है, ट्रिप वगैरह एवरेज वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। इधर आपको इसके कंट्रोल इधर नहीं मिलते, वो आपको यहीं से कंट्रोल करने पड़ेंगे। हेडलाइट वगैरह के आप कंट्रोल यहाँ से, वाइपर्स के कंट्रोल आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। और एक मिनट को एक बार AC बंद कर देता हूँ इसका। अरे यार AC कहाँ से बंद होगा, हाँ अब हुआ है बंद। AC की बात करूँ तो AC आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है, काफ़ी सही ऑटोमेटिक AC। और इधर की बात करूँ, इधर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो, USB सॉकेट मिल जाता है, इधर 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है कोई। और गियर नॉब की बात करूँ, गियर नॉब देखो कितना प्रीमियम गियर नॉब देखने को मिल जाता है। हुंडई के गियर नॉब भाई फेमस है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही होगी। और इंटीरियर देख लो एक बार, मैं तो भाई कुछ नहीं कहूँगा, इंटीरियर देख लो आप खुद ही देख लो। इंटीरियर वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक ग्रे सा है थोड़ा, ब्लैक नहीं सॉरी ग्रे। और इधर आपको पियानो फिनिश मिल जाती है, ये देखो ये पियानो फिनिश है पूरी ग्लोसी टच में, मतलब समझ रहे हो थोड़ा। ये पार्किंग लाइट देखने को मिल जाती है, AC विंडो मिल जाते हैं, उधर वाले गोल वाले मिल जाते हैं, इधर SRS एयरबैग, दो गाड़ी के अंदर एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। इधर की बात करूँ, और ये आपको स्विच मिल जाता है जिससे आप पेट्रोल से CNG से पेट्रोल में कन्वर्ट कर सकते हो मैनुअली अपने हिसाब से। ये हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता है। इधर की बात करूँ, ऐसे कुछ आप डिज़ाइन के AC विंडो देखने को मिल जाते हैं, और सीट आपको ऐसी मिल जाती हैं। इधर की बात करूँ, दो कप होल्डर, ये गाड़ी के अंदर अपना हैंड ब्रेक मिल जाता है। इधर की बात करूँ, IRVM, ये आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है डे नाइट के हिसाब से। इधर आपको वैनिटी देखने को मिल जाती है, ये आपको टिकट होल्डर ये देख सकते हो। और इसकी बात करा था ना मैं आपको, मैंने इसकी बताई नहीं, ये देखो इसकी, ये आपको पूरा वो मिलता है, मतलब एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले, सारी चीज़ें भाई आज के टाइम में एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले भाई काफ़ी ज़्यादा आपको पता है बहुत ज़्यादा यार ज़रूरत है। इंसान कहीं भी जाता है काफ़ी ज़रूरत पड़ती है नेविगेशन वगैरह की, सारी चीज़ें गाने वाने अपने बढ़िया सुनो, तो ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ये देख सकते हो आप, यहाँ देख लो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले अभी सेट करना पड़ेगा तो चलेगा, ये ब्लू लिंक वगैरह कोई सिस्टम रहता है इसमें वो करना पड़ेगा जब जाके चलेगा ये, तो ये देख सकते हो। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे, इसको कर देता हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट कि मैं 6 फुट का हूँ तो मैं कैसे चलाऊँगा, तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया एडजस्ट। अब चलते पीछे स्पेस कितना मिलता है। पीछे की डोर की बात करें तो वही आपको वाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन ड्यूअल टोन में, और पीछे सीट्स ऐसी मिल जाती है। सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी, हाइट है भाई 6 फुट, और 6 फुट के हिसाब से देख लो कितना सही आपको स्पेस देखने को मिल जाता है भाई। ये देखो कितना सही, थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और ये तो आगे कर रखी है। इधर की बात करूँ, आपको लाइट देखने को मिल जाती है, और 5 सीटर है गाड़ी, सही में 5 सीटर है भाई, बिल्कुल 5 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। इधर की बात करूँ, AC वेंट देखने को मिल जाते हैं, और इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट इधर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, मतलब यार ये भी मिल रहे हैं आपको। हैचबैक तो भाई किसी तरीके से लगती ही नहीं है, अगर इसके फीचर्स को आप काउंट करोगे, और मतलब CNG भी मिल रही है आपको, तो देख सकते हो आप ऐसा कुछ इंटीरियर देखने को मिल जाता है। कोई बता नहीं सकता कि भाई ये हैचबैक है, और मतलब CNG अगर आप ऐसे देते हो ना भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। मतलब अगर सिलेरियो में यार अभी CNG आ जाती ना, मतलब जो नई सिलेरियो आई तो वो भी बढ़िया चीज़ थी,
अब क्या हो गया ना, उन्होंने एक दो ही गाड़ियां रखी अपनी चुनिंदा, एर्टिगा वो बड़े सेगमेंट में आ जाती है थोड़ी, वैगनार ही मेनली बिकेगी, एस्प्रेसो इतनी बिकती नहीं है सीएनजी में, भाई कौन लेगा उसको, डब्बा सी गाड़ी है वो, वैगनार ज्यादा सेल में है अभी, उसकी भी ऐसी बुकिंग चल रही है भाई, चार पाँच महीने वेटिंग, और इसकी भी ऐसी चल रही होगी वेटिंग की, तो भाई क्या ही बात करूँ, सीएनजी कितनी डिमांड में आपको पता ही है। तो ये गाड़ी अगर आप भाई, मेन मकसद ये, अगर आप सीएनजी की ही गाड़ियाँ लेने चाहते हो तो आप इस गाड़ी की तरफ भाई ज़रूर नज़र डाल सकते हैं। आपको फीचर्स चाहिए थोड़े, आप पैसे एक्स्ट्रा डालो, वैगनार से ज़्यादा पैसे डालो और इस गाड़ी को भाई अपना बनाओ, क्योंकि यार इसमें एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले मिलता है ना, वो सबसे बेस्ट चीज़ है, ब्लूटूथ सारी चीज़ें सारी, और काफ़ी सारे फीचर आपको देखने मिल जाते हैं, और इंटीरियर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो आप। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और आप सुप्रेन हुंडई में विजिट कर सकते हैं, आपको अच्छी डील मिल जाएगी, उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।